26 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय से बसों के माध्यम से परीक्षा सामग्री रवाना की गई है। 3,393 परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाना है और प्रदेश में 26 लाख अभ्यर्थी एक दिन में होने वाली दो पारियों में परीक्षा देने पहुंचेंगे। इस दौरान बोर्ड की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया है, जिससे कि समयबद्ध रूप से परीक्षा संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके और शांतिपूर्ण परीक्षा का आयोजन किया जा सके। बोर्ड अध्यक्ष DP जालोरी, सचिव अरविंद सेंगवा के साथ ही तमाम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। सरकार के निर्देश पर परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए माकूल व्यवस्था हो और नकल व अन्य वांछित गतिविधियां इस दौरान में ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। अजमेर की रीट कार्यालय से बसों के जरिए परीक्षा सामग्री रवाना की गई है। रवाना की जा रही है आप लोगों के द्वारा, क्या है मामला? सभी सेंटरों पे जा रही है, सभी एमआर सीट और ये जो भी मटेरियल है कर्मचारी लेकर के जा रहा है। एक एक लेक्चरर भी है, पुलिस लेक्चरर। क्या किस चीज के दस्तावेज जा रहे हैं, क्या परीक्षा कौन सी? परीक्षा सामग्री है। कौन कौन जा रहे हैं, कौन लेके जा रहे हैं? पूरा बोर्ड ही जा रहा है, सारे कर्मचारी, दो बोर्ड कर्मचारी, एक लेक्चरर गाड़ी में, दो तीन आदमी। लेक्चरर किन किन की ड्यूटी लगी इसके अंदर? पूरे स्टाफ की ड्यूटी है सर, सभी परीक्षा में हर आदमी पूरा बोर्ड का, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तो सारे लोग चपरासी से लेकर के और अफसर तक, चेयरमैन तक, सारे लोग लगे हुए। आपका नाम? मोहन सिंह रावत, कर्मचारी यूनियन का अफसर।